31 नाइट पर शहर में होने वाली गतिविधियों के मद्देनजर नागपुर पुलिस द्वारा विशेष प्रबंधन किए गए हैं, जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जहां उन्होंने सुरक्षा इंतजाम के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम पर होने वाली गतिविधियों के मद्देनजर नागपुर पुलिस द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां विशेष रूप से प्रबंधन की भूमिका निभाते हुए बार, होटल, ओपन स्पेस आदि जगहों पर होने वाली 31 नाइट की पार्टी के विषय में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके विषय में जानकारी देते समय नागपुर आयुक्त अमितेश कुमार ने जानकारी दी कि शहर में फर्स्ट नाइट सुबह 5 तक लीकर सर्विसेज की अनुमति दी गई है, जहां मात्र लाइसेंस धारक आयोजकों को मादक पदार्थ परोसने की अनुमति है। वहीं समय के संदर्भ में बात करें तो आउटडोर और इंडोर पार्टी आयोजकों को 5 बजे तक पार्टी की अनुमति दी गई है, लेकिन डीजे की अनुमति इंडोर के लिए सुबह 5 बजे तक तो आउटडोर के लिए 31 तारीख के 12 बजे तक दी गई है। गौरतलब है कि इस प्रबंधन में कुल 2000 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, जहां ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए ग्रामीण क्षेत्र की बॉर्डर और शहर के मुख्य ठिकानों पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी रिकॉर्ड रखने की हिदायत पुलिस को दी गई है, ऐसी जानकारी भी पुलिस आयुक्त ने दी है, जहां उन्होंने बताया कि कोविड के मद्देनजर ड्रंक चेक करते हुए भिन्न पाइप्स का उपयोग किया जाएगा। इस समय पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सुरक्षित रूप से नया साल मनाने की अपील जनता से की है। 31 दिसंबर के लिए पूरी तरीके से नियोजन की गई है। फर्स्ट विषय है जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, होटल्स में या ओपन स्पेसेस में या क्लब्स में, उसके बारे में आज हमारी डिटेल बैठक इन सभी ऑर्गेनाइजर्स से आज सुबह हुई है और हमने एक 144 का ऑर्डर निकाला है। इसमें विशेष तौर पर लिकर सर्विस की परमिशन सुबह 5 बजे तक शासन ने दिया है 31 तारीख की रात को, इसलिए कोई भी इंडोर इवेंट हो या आउटडोर इवेंट हो उसमें लोगों को 5 बजे तक लिकर सर्व करने की परमिशन रहेगी। जो लिकर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको ये परमिशन रहेगी, या जो वन डे टेम्परेरी लाइसेंस लेंगे उनको ये परमिशन रहेगी। जो होटल्स, ढाबे जिनको लिकर सर्विस करने की परमिशन नहीं है वो लिकर नहीं सर्व करेंगे। टाइमिंग के विषय में जो भी इंडोर इवेंट्स है उसमें लिकर सर्विस तो 5 बजे तक रहेगा, म्यूजिक भी 5 बजे तक रह सकता, उनके पार्टीज भी 5 बजे तक चल सकते हैं। जो आउटडोर इवेंट्स है, जो कि आउटडोर इवेंट्स में जो क्लोज एनवायरनमेंट नहीं है, जो आउटडोर इवेंट्स है गार्डन्स में, लॉन्स हैं, यहाँ पर ये परमिशन 12 बजे तक लाउडस्पीकर की परमिशन रहेगी। लाउडस्पीकर 12 बजे तक बंद करके वो ज़रूर अपनी पार्टी सुबह 5 बजे तक चला सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। इतर पॉइंट्स, बाकी पॉइंट्स हमने 144 के नोटिफिकेशन में इशू किया है। जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिनका दैनंदिनी जो हर दिन जो एक्टिविटी रहती है उससे अलग कोई भी एक्टिविटी अगर 31 दिसंबर को है तो उसकी परमिशन उनको पुलिस कमिश्नर ऑफिस से लेनी होगी, और हम सिंगल विंडो स्कीम में ये परमिशन देने के लिए और जल्दी से जल्दी देने के लिए हमने ऑलरेडी मुहिम चला रखी है। आज बहुत सारे लोग आए थे और उनको भी परमिशंस जल्दी से जल्दी दी जा रही है। विमेन सिक्योरिटी की इश्यूज हो या अंदर की कैपेसिटी की इश्यूज हो, इन सभी पे क्लियर गाइडलाइंस दी गई है कि फाइनली जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं महिला, उसके एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर विमेन महिला सिक्योरिटी की विषय हो या अंदर कोई क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज नहीं हो, ये उनकी जवाबदारी रहेगी। वो आवश्यक तौर पे आवश्यक संख्या में महिला और पुरुष सिक्योरिटी गार्ड्स उनको लगाना अनिवार्य रहेगा। पुलिस ऑर्डिनरली किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में अनलेस की ओपन वायलेशन जिसका इम्प्लीकेशन क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर पे हो रहा है, पुलिस इस प्रकार के इवेंट्स में नहीं घुसेगी, इस प्रकार का आश्वासन हमने सभी ऑर्गेनाइजर्स को दिया है। लेकिन साथ साथ अगर कोई आपत्तिजनक स्थिति दिखती है तो पुलिस ज़रूर अंदर जाएगी, और जाने के बाद इस प्रकार के इवेंट जो चालू है उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो उसी समय उसको बंद करने की भी डायरेक्शन इशू की जाएगी। ट्रैफिक के विषय पे भी इस प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट्स को हिदायत दी गई है कि ड्रंकन ड्राइविंग नहीं हो, इसलिए वो प्रयत्नशील रहें और आवश्यक इस विषय पर वो ध्यान दें। किसी भी प्रकार की ड्रग सेल या कंजम्पशन उस परिसर में नहीं होगी, इसके बारे में भी उनको हिदायत दी गई है। सीसीटीवीज
लगाएं और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स रखें, इसके लिए भी हमने उनको सूचना दी है। तो ओवरऑल जो इवेंट्स है वो नागपुर शहर में इंटरटेनमेंट और फेस्टिविटी को पूरी तरीके से, लोगों की एक इंथुजियाज़म को पुलिस दल रेस्पेक्ट करती है, और इस प्रकार के इवेंट्स हों इसमें पुलिस को किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, और पुलिस उसको फैसिलिटेट करेगी, और पुलिस ज़रूर इस प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट्स और ओवरऑल एक डिसिप्लिन की वातावरण शहर में रखेगी। लेकिन साथ साथ किसी भी प्रकार की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, और अगर वायलेशन नज़र आएगी तो पुलिस विभाग बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी। इस प्रकार की भी चर्चा आज की मीटिंग में हुई है और यही भूमिका हमारी है। पुलिस बंदोबस्त बहुत बड़े पैमाने पे लगाया गया है। आज रात हो या कल रात हो, वीकेंड है, ऑन द रन अप टू द न्यू ईयर आने के पहले का ये वीकेंड है, इसकी संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए क्राइम कंट्रोल के लिए मेजर ओवर्ट कॉम्बिंग ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ की जा रही है। सभी स्तर के हमारे अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए प्रयत्नशील है। 31 तारीख को रात शाम से अंदाजन 30 जगह पे नाकाबंदी और 30 जगह पे ड्रंकन ड्राइविंग की कार्रवाई बड़े पैमाने पे डिप्लॉय की जा रही है, और जो ड्रंकन ड्राइविंग की जो स्पॉट्स है वो प्राइमरली दो लेयर्स में लगाई जा रही है। एक जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो बाहर से लोग ड्रिंक पार्टीज़ करके जो आ रहे हैं और वो ड्रंकन ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो भी नागपुर ग्रामीण के तरफ से आने वाली सड़कें हैं हमारे एरिया में, उनके बॉर्डर्स पे आवश्यक जगह पे ड्रंकन ड्राइव की मुहिम लगाई जा रही है। ये बॉर्डर पेरिफेरल एरियाज़ के अलावा नागपुर शहर के कोर एरियाज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट हाईकोर्ट रोड के का परिसर हो, या सदर का परिसर हो, या सीए रोड का परिसर हो, इस प्रकार के आइडेंटिफाइड एरियाज पे हमारी ड्रंकन ड्राइविंग बड़े पैमाने पे लगाई जाएगी, क्योंकि हमारी ये प्रयत्न रहेगी कि 31 को किसी भी प्रकार की फेस्टिविटी के दरमियान कोई दुर्घटना नहीं हो। इसके लिए हम 31 तारीख को रात को प्रयत्नशील रहेंगे। ओवरऑल 31 तारीख को बहुत ही डिटेल बंदोबस्त ऑर्डर इशू किया जा रहा है, और हमारे करीब करीब 2000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस 31 तारीख की इवनिंग को बंदोबस्त में, ताकि नागपुर शहर में लोग एंथुजियाज़म के साथ और फुल फेस्टिविटी के साथ, जोश के साथ अपनी ये उत्सव मनाएं, उसके लिए लेकिन किसी प्रकार की बेशिस्तता या क्राइम पे किसी प्रकार की कोई इम्प्लिकेशन नहीं हो, इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।